जय हिंद बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि आने वाली जो 2023 में जो इंटरमीडिएट कला की जो परीक्षा होने वाली है, इंटरमीडिएट कला के सभी विषय में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर मनीष सर से। तो मनीष सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष सर के माध्यम से उन हजारों और लाखों बच्चों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाली परीक्षा में किस तरह से हुआ परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो मनीष सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इसलिए कि आपने इतने अच्छे मुद्दे को उठाया जो जनहित से न सिर्फ जुड़ा हुआ है, छात्रहित से जुड़ा हुआ है। और छात्रों के हित की जब बात होगी तो जनहित से जुड़ेगा ही, क्योंकि छात्र अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपने जीवन में तो वो समाज और देश, उसके राज्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। और हम तो खास करके बिहार के जो बच्चे हैं, हम लोग को बीमारू स्टेट कहा जाता रहा है, तो इससे हम बाहर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक ज्ञानवान बने और अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें, बेहतर रिजल्ट लाएँ। तो इसके लिए आपका सर बहुत बहुत आभार कि आपने आगामी जो बोर्ड परीक्षा होने जा रही है इंटरमीडिएट, खास करके कला की, 2023 के 1 फरवरी से हो गया, इसका शेड्यूल भी लगभग तय है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सर अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है सेंटअप टेस्ट, जो बच्चे अगले साल 2023 में एग्ज़ाम देंगे, तो बोर्ड के द्वारा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में सेंटअप टेस्ट कराया जा रहा है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था कि सर ये देंगे, देने से क्या फ़ायदा होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, उनको हम ये बहुत अच्छी तरह बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया है सेंटअप टेस्ट का, वो पूरी तरह बोर्ड के द्वारा आया हुआ है और इसी पैटर्न पर, सेम इसी पैटर्न पर फरवरी में परीक्षा होने जा रही है। तो जो बच्चे इस सेंटअप का एग्जाम दे रहे हैं उसके परफॉर्मेंस के बाद उसके क्वेश्चन को आत्मसात करेंगे, जो नहीं कर पाए होंगे परीक्षा में उसको देख लेंगे, सेम उसी पैटर्न पर एग्जाम होगा और उनका बेहतर प्रदर्शन होगा। एक बच्चों में एक और कन्फ्यूजन था कि सर इस बार से कुछ चेंज हो रहा है परीक्षा के पैटर्न पर, तो अभी जो क्वेश्चन आया है बोर्ड का जो सेंटअप टेस्ट चल रहा है उसमें ये बात साफ हो गई है कि जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जिन विषयों की परीक्षा 100 मार्क्स की होती है, उसमें 50% ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए दोगुना अर्थात 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 50 का जवाब देना है और बाकी जो 50 होंगे वो सब्जेक्टिव होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इस बार भी चलेगी कि उनको दोगुना ऑप्शन मिलेगा अपना जवाब देने के लिए। तो मेरा ये कहना होगा कि बच्चे परीक्षा से घबराएं नहीं, परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लें, तरह का अवसाद और टेंशन नहीं लेना है। परीक्षा में वही लड़के बेहतर कर सकते हैं जो तनाव मुक्त और भय रहित होकर एग्जाम दे। एग्जाम तो हमारे परफॉर्मेंस का एक तरीका है और कहा भी था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जिनका जन्मदिन है 15 अक्टूबर को, कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, असफलता जो है सफलता की एक सीढ़ी है। तो हम सारे बच्चों से आग्रह करेंगे कि अब जो वक्त है, अक्टूबर का महीना जा रहा है, आने वाले दिनों में त्योहारों की छुट्टियां होगी, जैसे दिवाली है और छठ है, उसमें भी भाग लें, लेकिन अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करें और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करें। ऐसा मत करें कि एक दिन 10 घंटे पढ़ें और अगले 2-3 दिन तक सोए रह जाएं, तो ऐसा नहीं। 8 घंटे की पढ़ाई अगर वो प्रतिदिन करते हैं तो उनको मोर देन 80% मार्क्स निश्चित रूप से आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कि कभी भी रटा रटाया आप मत उतारिए परीक्षा में, उसका गलत इफेक्ट पड़ता है मूल्यांकनकर्ता पर, जो मूल्यांकन करने वाले टीचर होते हैं उन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और आपका मैंने वीडियो देखा है, इसलिए आपसे एक्सेस करने की, आप तक पहुंच के अपनी बात रखने की भी मैंने कोशिश की है। आपने जो पढ़ाया है पूरा थियोरेटिकल तरीके से पढ़ाते हैं, ज्ञान आधारित, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि रटने रटाने की परंपरा को खत्म किया जाए और ज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था शुरू किया जाए। तो आप पढ़ने के लिए सबसे बेहतर है कि हम टेक्स्ट बुक से पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, BTC से पढ़ें, और आपके जैसे शिक्षकों के सानिध्य में आकर जहां दिक्कत है उसकी भरपाई कर लें, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप देखे होंगे सर कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन मिलता है उस पर ऊपर ही लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो अगर विद्यार्थी अपने मनोनुकूल और अपनी अभिव्यक्ति से माध्यम से अगर किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो उसमें नंबर आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
मैट्रिक के बच्चे जो फरवरी में एग्जाम देंगे, शायद 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में उनकी 2023 की बोर्ड परीक्षा हो, तो उनका जो सेंटअप टेस्ट है, उत्प्रेषण परीक्षा, वो 12 नवंबर से निर्धारित हो चुकी है, निश्चित रूप से 12 नवंबर से ही होना है, और वो क्वेश्चन भी उपलब्ध कराया जाएगा बोर्ड के द्वारा ही। तो निश्चित रूप से उसमें जो बच्चे शामिल होंगे उन क्वेश्चनों को बनाएंगे, वही पैटर्न उनको फाइनल एग्जाम में ही देखने को मौका मिलेगा। और बोर्ड ने पहले, आप जानते होंगे सर, कि ये जो क्वेश्चन है वो सारे आया करते थे संघ के माध्यम से, और फाइनल परीक्षा बोर्ड के द्वारा ली जाती थी, उनके एक्सपर्ट क्वेश्चन तय करते थे। तो बोर्ड ने बच्चों की इसी सुविधा को देखते हुए, ताकि उनका बेहतर परफॉर्मेंस हो और पहले से जान सके कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, तो 12 नवंबर से जो परीक्षा होने वाली है सेंटअप टेस्ट की, उसमें निश्चित रूप से शामिल हों और क्वेश्चन को बनाएं, परीक्षा भवन में जो बन पाए बन पाए, नहीं तो हम लोगों के जैसे, आप लोग जैसे शिक्षकों से संपर्क करके जहाँ कमी रह गई उसको सुधारने का प्रयास करें, ताकि जो फरवरी में फाइनल एग्जाम होगा उसमें उनका बहुत बेहतर उनका प्रदर्शन हो, ताकि हम लोग भी गौरवान्वित हो, उनके परिवार के लोग भी गौरवान्वित हो, और बोर्ड को भी काफ़ी उत्सुकता होगी, बोर्ड को भी काफ़ी ये जिज्ञासा और उनकी भी प्रशंसा होगी कि उनके बच्चे अच्छे कर पाएंगे, ये सारे शिक्षा जगत के हित में होगा। बच्चों से सुझाव होगा कि बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं मैट्रिक या इंटर, उनका कतई ये उद्देश्य नहीं होगा कि वो मैट्रिक इंटर पढ़ के सिर्फ रह जाए, उनको आगे किसी न किसी कंपटीशन में जाना ही है जहां उनको पहले से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो वो ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड उनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उन मैट्रिक के बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकें करें, पढ़ें बीटीसी की पुस्तकें पढ़ें, और जहाँ उनको दिक्कत हो, जिस विषय में दिक्कत हो, उसको अंडरलाइन करके, उसको कॉपी पढ़ लिख के, और आपसे हमसे जिस विषय के जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनसे मिल के उसका समाधान करें, तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। हम सर आपकी कोटि कोटि सराहना करना चाहते हैं कि आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, बच्चों के बीच बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, बहुत सारे कोचिंग हैं, तो आपने इस चैनल के माध्यम से आके बच्चों के लिए जो एक प्रयास किया कि वो जान पाए कि क्या सच्चाई है, किस तरह से तैयारी की जाए, तो आपसे हम यही आग्रह ही करने वाले थे, आपने उस बात को रखा सर, कि फिर इसको समय समय पर अप टू डेट बच्चों को कराते रह जाए आपके माध्यम से, ताकि उसमें अनवरत सुधार होता जाए और उनका बोर्ड का परिणाम बहुत बेहतर आए। धन्यवाद सर।